हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। 17 फरवरी से जो आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उसका VVI साइंस का आपको वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का 17 से 23 तक जो एग्ज़ाम चलेगा उसका पूरे बिहार में सबसे पहले हम ही लोग आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम देकर आइए तो इतना आपका सही हुआ है ये मिलान आंसर की के माध्यम से आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पर कर सकते हैं। चलिए आपका यहाँ पर VVI प्रश्न करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है, डियर स्टूडेंट, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये कहाँ देखा जा सकता है? ये जंगल में देखा जा सकता है। आज आपका यहाँ पर देखिए, इससे पहले साइंस का आपका एक और हम क्लास लाए थे VVI वायरल ऑब्जेक्टिव का, वहाँ पर साइंस का मॉडल पेपर 1 कराए थे। यहाँ पर आपको 42 क्वेश्चन का हम लोग मॉडल पेपर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3 करा देंगे। 42 क्वेश्चन का VVI वायरल प्रश्न है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप परीक्षा में ये सब देख के जाते हैं तो लगभग सभी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। पूरे बिहार में सेकेंड रैंक दिया है। अगर आप अभी तक विकी कुमार का इंटरव्यू नहीं देखें बिहार सेकेंड टॉपर का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, तारों का टिमटिमाना की संख्या किसे सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है आपका वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो 2 एम्पियर होगा। कितना होगा डियर स्टूडेंट? 2 एम्पियर। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मैथ का आप सभी सब्जेक्ट का गेस्ट ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का 50 रुपया फी रखा गया है। 50 रुपया आपको पेमेंट करके आपको डाउनलोड फाइल करके PDF के माध्यम से पढ़िए। बिहार का सेकंड रैंक दिया है। इंटर में भी देख सकते हैं सौरभ सर का गेस्ट का कितना जगह चला है, पीछे वीडियो पढ़ा हुआ है आंसर की का, वहां से देख सकते हैं। 35 में 31, 32 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे गेस्ट से। क्वेश्चन 5 कह रहा है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ये कुंडली में नहीं होता है। क्वेश्चन 6 कह रहा है, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12 NEET IIT JEE मेन्स एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। का मान कितना होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे पहले जो वायरल ऑब्जेक्टिव क्लास 1 जिसमें हम मॉडल पेपर 1 का 42 ऑब्जेक्टिव कराए नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? तो Na सोडियम होता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये अम्ल एसिड की कौन करता है? एसिड अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो क्या होता है? XX। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है? नाभिकीय संलयन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, दर्पण सूत्र लिखे, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/V + 1/U = 1/F, 1/V + 1/U = 1/F। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। 12 नंबर में बोल रहा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर का। देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/V = 1/U + 1/F है, ये मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र का फार्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? तो ये कितने हैं? ये 3 आबंध बनाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पर 400+ लाइक जाएगा तो आपको VVI वायरल 50 ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, और वहाँ से भी देख के जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए इससे पहले 1 क्लास आया है, आज ये 2रा क्लास है, एक और क्लास देंगे। अगर 3ों क्लास आप देख के जाते हैं साइंस में तो आपको जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है 40 उसमें 35+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहा जाता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो ये फैराडे ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, एक उत्तल लेंस में होता है तो क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच का भाग थोड़ा मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो m इक्वल टू वी बाई यू होता है, वी बाई यू हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, डियर स्टूडेंट, गोलीय दर्पण के फोकस सेंटर और वर्कता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो f इक्वल टू आर बाई टू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, मानव नेत्र में फिल इन द ब्लैंक्स लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। सारा VVI प्रश्न आपको कराया जा रहा है, कल एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं 17 तारीख को, उसमें VVI सारा प्रश्न है। कल भी एक क्लास प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम, पढ़ाई मंत्रा VVI वायरल ऑब्जेक्टिव का, वो आपका तीसरा क्लास रहेगा। इससे पहले एक क्लास आ गया है, आज दूसरा क्लास है, एक और क्लास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वायरल VVI ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, वायुरोधी बर्तन में खाद पदार्थ रखने में उपचयन की गति हो जाती है तो कैसा होता है? धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, डियर स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट का रहा है 23 नंबर, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्वेश्चन 24 का रहा है, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट का क्या होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 25 का रहा है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड। क्या? गोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, वायुमंडल में CO2 कोटना कितना परसेंट है? तो जल्दी कमेंट कीजिए, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? तो 0.003% है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 26 के तक के बाद 27 की तरफ, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो ये रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है डियर स्टूडेंट? रेटिना पर। क्वेश्चन 28 का रहा है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है तो किस पर है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट के तरफ, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण लिखें तो क्या होगा? कोयला। क्या होगा? कोयला होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है डियर स्टूडेंट? 3 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्वेश्चन 33 का रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका उपचयन है। क्या है? उपचयन। क्वेश्चन 34 का रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है? तो ये आपका साफ जल में रहता है। कहाँ रहता है? साफ जल में रहता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? यीस्ट में होता है। तो देखिए ये आपका मॉडल पेपर 2 है, इससे पहले मॉडल पेपर 1 का क्लास आया है, लेकिन इसमें आपका मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3 भी कराएंगे। चलिए मॉडल पेपर यहाँ पर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए साइंस मॉडल पेपर 3 की तरफ आ गए हम लोग। अब आप लोग देखिए इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा, जिससे हम लोग को आइडिया लगे आप लोग कितना आप लोग का तैयारी हुआ है मैट्रिक परीक्षा का। चलिए मॉडल यहाँ पर पेपर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, कौन सा पदार्थ नील लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। क्या होगा? अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, काली चूना का अनुसूत्र क्या है? तो इसका CaO होता है। क्या होता है? CaO। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये होता है आपका 17। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का आपका रासायनिक सूत्र यही होता है, CaSO4.2H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के तरफ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बम हस्तन नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है, क्या संकेत करती है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का दिशा का वो संकेत करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से आपका जो ये वाला कथन है ये गलत है, हरे विद्युत रोघन वाला तार प्रया विद्युतमय तार होता है, ये आपका गलत कथन है। ये वाला भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला आपका गलत है।
क्वेश्चन नेक्स्ट, ककरा पार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपका कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो अभी अभी आपको बताए हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। कहाँ है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा आपको वीवीआई प्रश्न कराया जा रहा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत से यहाँ पर वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो 13 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैद्युत प्रतिरोधता निर्भर करती है, किस पर वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो आपका चालक की लंबाई पर भी करती है, चालक की अनुप्रस्थ पर भी करती है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करती है। मतलब इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो लाल किसका रहता है? लाल का रहता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं डियर स्टूडेंट? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष का क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा, सारा वीवीआई है, इस पर आपका सब्जेक्टिव भी आता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, एक तरल संयोजी उगते है तो इसमें से क्या है? रक्त है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 का रहा, मॉडल पेपर 3 का, संगमरमर का आण्विक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaCO3। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक आपको क्लियरली दिखता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, कितनी होती है? आधी होती है, हाफ हो जाता है। कैसा होता है? आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्वेश्चन 22 का रहा है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में डियर स्टूडेंट? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये तात्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसा? तात्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को हम लोग काटते हैं, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारा वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन 26 कह रहा है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को। किसको डियर स्टूडेंट? अवतल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, मनुष्य में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन को एथेनॉल में मिलाने पर क्या बनता है? तो ये टिंचर बनता है। क्या बनता है? टिंचर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैटिक अम्ल पाया जाता है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, एक अदीप्त पिंड का नाम लिखें। तो आपका लकड़ी एक अदीप्त पिंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है जल भी आवश्यक है, CO2 पेड़ लेता है, क्लोरोफिल जिससे पत्ता हरा होता है, मतलब सभी। इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा डियर स्टूडेंट, कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन 33 का रहा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन 35 का रहा, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल वर्ण का। किसका होता है डियर स्टूडेंट? लाल वर्ण का। क्वेश्चन 36 का है, मनुष्य की छाती पर कितनी जोड़ी पसली होती है? तो 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी होती है। क्वेश्चन 37 का है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कितने नियम है? 2 आपका नियम है प्रकाश के। क्वेश्चन 39 का रहा है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो होमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्त्रियों में कितने दिनों की गर्भ अवस्था होती है? तो जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, 9 महीने 10 दिन। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41 का रहा है, परागकण क्या है? परागकण क्या है? ये आपका दीर्घ बीजाणु है। क्या है? दीर्घ बीजाणु है। चलिए तो ये आपका मॉडल पेपर 3 हो गया, मॉडल पेपर 3 भी करा दिए हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। एग्जाम के एक दिन पहले आपको वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।